दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद प्रवासी मजदूर काफी हताश नजर आए और अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान नरेला इलाके में चल रहे अवैध टूर एंड ट्रेवल्स उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं गांव आप? यहाँ लॉकडाउन में फंस जाएगा सरकार की कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है। अच्छा, तो पहले और अब में कितना फर्क है किराए में? बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं आप? 1600 रुपया 2022 हो गया 12। अच्छा, पहले कितना था? पहले 1200 था। अब कितना है? 1700-1800 हो गया है। आपको बता दें कि पहले के किराए में और अब के किराए में दुगनी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जिन लोगों से 800 रुपए किराया लिया जाता था, अब उन्हीं लोगों से 2200 रुपए लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रवासी मजदूर और क्या करें, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कोरोना फिर से बढ़ जाएगा। इसी डर की वजह से वे लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं? सर, हमारा काम तो बंद हो गया। काम जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम बंद हो गया हमारा। तो हम तो एक हफ्ते से बैठ के खा रहे थे। टिकट हमारा बना हुआ था, कल का टिकट कैंसिल करवा के 700 रुपये हमारा बैलेंस कट गया। 1600 रुपये का टिकट बनाया हमने बस वाले से। गाँव जा रहे, काम है ही नहीं हमारे पास। किस वजह से जा रहे हैं आप? ये लॉकडाउन की वजह से, और काम वगैरह भी नहीं है। मालिक हमारे को बोल दिया भाई काम है ही नहीं है कंपनी में, जाओ गाँव से। पहले में और अपने किराए में कितना फ़र्क है? बहुत कपड़े थे, बहुत कपड़े। पहले 1000 रुपये में जाते थे, 1600 रुपये ले रहे थे। अब 1600 रुपये ले रहे लॉकडाउन की वजह से। पैदल जाने से अच्छा है कि क्यों न ज्यादा पैसे देकर अपने घर चले जाएं। इसी का फायदा उठाकर नरेला इलाके में चल रहे टूर एंड ट्रेवल्स उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। बिहार जाएंगे सर, नवादा जिला। किस लिए जा रहे हैं? घर में लॉकडाउन है इस वजह से सर। क्यों, लॉकडाउन पहले भी हुआ था तो पहले मरम में क्या फर्क रहेगा? पहले मरम अभी सर क्या होता है, जा रहे हैं फिलहाल में बहुत देने, खाना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, काम धाम भी नहीं मिलता है। फर्क है किराया में तो ही बहुत फर्क है सर। पहले 1200 भी 2000 लग रहा है, 2018 ऐसे लग रहा है। तो इनको बोला नहीं कम करे पैसे? कम बोले सर तो बोला वो लॉकडाउन की वजह से पैसा ज्यादा ले रहा है।